दोस्तों सर्दियों के मौसम में बहुत बढ़िया गाजर आती हैं और सस्ती भी बहुत आती हैं, और उन्हें देखकर मन भी बहुत करता है कि गाजर का हलवा बनाकर खाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि भाई गाजर घिसेगा कौन, और फिर घंटों किचन में खड़े रहकर इसे बनाएगा कौन। तो आज की हमारी रेसिपी है गाजर का हलवा। इसे ना हम घिसेंगे और ना हम घंटों किचन में खड़े रहेंगे, बहुत झटपटी हम ये गाजर का हलवा बनाएंगे। तो आप रेसिपी को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो मैं तोशी राजस्थानी तड़का विद तोशी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ, और चलिए बनाना शुरू करते हैं हम ये गाजर का हलवा। इसे बनाने के लिए हमने ली है ये 1.5 किलो गाजर, जिन्हें हमने धो लिया और छील लिया। उसके बाद देखिए कि अब हमें करना क्या है, हमें इन्हें देखिए इस तरह से काट लेना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये इतनी बड़ी बड़ी गाजर काट रही हूँ तो इससे गाजर का हलवा कैसा बनेगा। आप टेंशन ना लें, बहुत बढ़िया गाजर का हलवा बनेगा। तो इसी तरह से हमें सारी गाजर काट लेनी है। तो ये सभी गाजर मैंने काट ली है, ये देखिए, और इन्हें अब हम डाल देंगे एक कुकर में। सारी गाजर हमने कुकर में डाल दी, और इसमें हम डाल देंगे करीब आधा चमचा घी, देसी घी डाला है मैंने इसमें। और इसे अब हम थोड़ा सा इस तरह से पलट देंगे तो घी नीचे चला जाएगा और गाजर ऊपर रह जाएगी। और इसमें अब हम लगाएंगे 2 से 3 सीटी। तो करीब 3 सीटी आ चुकी हैं, और अब हम खोल देते हैं इसका ढक्कन। तो ये देखिए इस तरह की दिखेंगी ये गाजर। गाजर पे देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो जब हम घी डाल देते हैं गाजर में तो गाजर का जो कलर है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। अब आप इन्हें चमचे से भी इस तरह से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में मैशर है तो मैशर से इन्हें मैश कीजिए, बहुत जल्दी मैश हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इन्हें मैश कर लिया। बिल्कुल अच्छे से मैश करके हमें इनका पेस्ट नहीं बनाना है, बस इस तरह से मैश कर देना है। और कुछ टुकड़े गाजर के अगर इसमें बच भी जाते हैं तो आप टेंशन ना लें, ये भी अभी अच्छे से मैश हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो हलवा बनाया है ये हमने गाजर को काट कर बनाया है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने इसे घिस कर बनाया है। तो ये अब मैंने इसमें डाल दिया 300 ग्राम दूध। तो ये देखिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाला है, 1.5 किलो गाजर थी और जिसमें मैंने 300 ग्राम दूध डाला है। और इसे अब हम ऐसे ही पकाएंगे, कुकर के ढक्कन नहीं लगाएंगे। और 7 से 8 मिनट हुए हैं, और ये देखिए दूध कितना इसमें चल गया। और ये जो कुछ टुकड़े जो इसमें बच रहे हैं उन्हें इस तरह से हम चम्मच से दबा करके तोड़ देंगे। तो अब लग रहा है आपको ये कि ये जो गाजर का हलवा है ये हमने गाजर काट के बनाया है। और ये देखिए करीब 15 से 20 मिनट में ये जो हलवा है ये इस तरह का दिखेगा। कोई भी नहीं कह सकेगा कि ये गाजर का हलवा आपने गाजर को बिना घिसे बनाया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। मेरे घर में थोड़ा लाइट मीठा चलता है, इसलिए मैं इसमें करीब 150 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आप थोड़ी सी इसमें क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, आप 150 की जगह इसमें 200 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं। और चीनी डालने के बाद हम इसे करीब 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। इस समय पर हमें इसे कंटिन्यू चलाना होता है, नहीं तो हमारा जो हलवा है वो कुकर के तले में चिपक जाएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच इलायची का पाउडर, मिक्स कर देते हैं, और फिर हम इसे करीब 5 मिनट पकाएंगे। और ये देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा घी। तो घी डालने के बाद भी हम इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो मैंने इसमें डाले हैं काजू बादाम, इन्हें भी मैंने काट कर नहीं डाला है, कूट कर डाला है। और ये देखिए करीब 1 से 1.5 मिनट और पकाने के बाद हमारा जो गाजर का हलवा है वो कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, कोई कहेगा इस हलवे को देखने के बाद में कि ये जो हलवा है ये हमने गाजर को बिना घिसे बनाया है। देखिए कितना बढ़िया गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ है। अब आप इसे चाहें तो बिना मावे के खा सकते हैं, और अगर आप इसमें मावा मिक्स करना चाहते हैं तो कुकर में आप इसमें मावा मिक्स करके 2 मिनट पका लीजिए और हलवा तैयार है। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, और इस पाइपिंग बैग में मैं भरूँगी मावा। मावे को मैंने पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया, जिससे क्या है कि मावा सॉफ्ट हो गया।
ये जो मावा है ये मैंने घर पर बनाया है। इसकी रेसिपी पहले से मेरे चैनल पर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप रेसिपी देख सकते हैं। और ये देखिए गरम गरम मावे को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया और अब इसे मैं छोटे छोटे स्टार्स बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने जो केक डेकोरेटिंग वाली नोजल्स आती हैं वो नोजल इसमें लगा रखी है। आगे आपके पास अगर नोजल और पाइपिंग बैग ना हो तो अपने घर में दूध के जो पैकेट आते हैं उसे आगे से कट करके आप इस तरह से हलवे को डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टार नोजल लगाई जाए, आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा मावा इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए। इससे क्या होगा कि हलवा देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो देखा दोस्तों 35 से 40 मिनट में कितना बढ़िया गाजर का हलवा बनके तैयार हुआ है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की आसान टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।